आएंगी वो डर रही है, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन में, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। हर एक इंडियन का मोस्टली ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है स्विट्जरलैंड, या बकेट लिस्ट में रहता है। मेरे भी बकेट लिस्ट में था स्विट्जरलैंड। तो आज मैं स्विट्जरलैंड के माउंट टिटलिस में जा रही हूँ, जो बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत कुछ देखने के लिए है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं निकल रही हूँ मेरे होटल से। मेरा होटल जो है वो एयरपोर्ट के नज़दीक है। माउंट टिटलिस जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगेंगे। जाते जाते बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ माउंट टिटलिस। चुके हैं माउंट टिटलिस। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये अबाउट 10,000 सी लेवल पे है, मतलब सोचिए ये कितना ऊंचा होगा। और एक बात ये है कि यहाँ पे जो रोटेटिंग केबल कार है, वो वर्ल्ड फर्स्ट केबल कार है जो रोटेट करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग फुल गर्म कपड़े डाल के रेडी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो आर्या मम्मी, हम लोग सब ऐसे एकदम ड्रेसिंग डाल के, पता नहीं कितना ठंडी लगने वाला है। तो हम सब रेडी है जाने के लिए। तो आपको भी दिखाऊंगी आगे जाके क्या क्या दिखने वाला है। बैठ चुके हैं फर्स्ट केबल कार में। देखिए पीछे है नजारा, कितना अच्छा दिख रहा है। और एंजॉय कर रहे हैं। हे दोस्तों, ये हमारे टूर गाइड है और इनका नाम है संकल्प। ये केसी टूर के टूर गाइड है और बहुत मजा आ रहा है इनके साथ। और ये हमारे साथ ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे नजारे और भी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे थे और स्नो भी बढ़ती जा रही थी। तो अभी हम लोग सेकेंड रोटेटिंग कार में आए हैं। बहुत ज़्यादा फॉग है, आप सामने देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअली दिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। और ये जो सेकेंड रोटेटिंग कार है, जैसे मैंने आपको बोला, ये वर्ल्ड फर्स्ट रोटेटिंग कार है। सब आ गए हैं। तो देखा आपने, थोड़ा दिखा हम लोगों को, लकीली फॉग चला गया तो इसलिए दिखा। अभी हम जा रहे हैं आइस फ्लायर में, वो भी यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो देखते हैं ये आइस फ्लायर क्या है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं,
पूरा स्नो ही स्नो है, तो अब वॉक करके जा रहे हैं। बहुत रश है लेकिन अच्छा लग रहा है। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे भी पूरा आइस ही आइस है और थोड़ा सा स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे एक मूविंग ब्रिज था और जिसको पार करके हम लोगों को आइस फ्लायर में जाना था। ये देखो ये दो तो आइस फ्लायर है, ये राउंड मार के इससे यहीं पे आएगा और फिर ये हम लोगों को जाना है इसमें, तो हम लोग अभी इसमें जा रहे हैं। हम लोग बैठ चुके हैं, आए आए करो आए, ये अभी आगे जाने वाला है। ये बहुत मजा आ रहा है। सबसे ऊपर आए हुए हम, देखो इतना मजा आ रहा है, डर भी लग रहा है, पूरी तरह बर्फ ही बर्फ है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 5 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कुछ फ्लोर पे रेस्ट रूम है, कुछ फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, कुछ फ्लोर पे वो फ्लायर्स जैसे आपने देखा वो है, कुछ फ्लोर पे जो लास्ट फ्लोर है 5th फ्लोर उस पे जाके हम लोग खेल सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं। अब हम आए हुए हैं 3rd फ्लोर पे जहाँ पे हम आइसक्रीम खाएंगे। ये देखिए ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा कुछ अलग है ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ पे 3rd फ्लोर पे आपको शॉपिंग के लिए भी कुछ चीज़ें चॉकलेट्स वगैरह, यहाँ पे स्विस चॉकलेट बहुत फेमस है तो वो चॉकलेट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से शॉपिंग नहीं करने वाले, हम लोग नीचे जाके शॉपिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहे तो आप यहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये स्विट्जरलैंड फेमस है यश चोपड़ा के ये मूवी के लिए जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, तुम्हें फोटो का ही प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं अभी और उसके आगे अभी हम स्नो में खेलने के लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ फोटो शूट करेंगे, यहाँ का फोटो शूट हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी 5th फ्लोर पे जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और ये देखिए सब बर्फ में खेल रहे, आप जितना चाहे यहाँ पे खेल सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। देखो आर्या क्या कर रही है, आइस के बॉल बना बना के फेंक रही है, ये देखो बहुत मस्ती चल रही है उसकी। और ये मेरी मम्मी, तो चलो और आगे जाएंगे और देखते हैं कैसे है। मेरा जो ड्रीम था यहाँ इस वादियों में आके वीडियो बनाने का, जो अभी कंप्लीट होने जा रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियो निकालने के बाद हम सेम रोटेटिंग कार में अब नीचे जा रहे हैं। नीचे जाते वक्त हम लोगों को थोड़ी सी बारिश लगी। लेकिन बारिश के वजह से नज़ारे और भी अच्छे लग रहे थे, स्काई पूरी तरह से क्लियर हो चुका था और हम लोगों को बहुत अच्छा दिख रहा था। हे दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने
इतना एंजॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, वीडियो निकाला। मेरा जो ड्रीम था साड़ी पहन के बॉलीवुड वाला डांस करने का, वो भी पूरा हो चुका है। और अभी मैं गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं। और भी दो दिन मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, सारा कुछ सब कुछ आपको बताऊँगी। और मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल और दो दिन मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, तो देखते रहिए मेरा चैनल एंड तक। तब तक के लिए बाय बाय।